लोग दोबारा ममन लेक पहुंच चुके हैं। लेक इस वक्त इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रही है क्योंकि अभी सूरज बिल्कुल हमारे ऑपोजिट हो चुका है। तकरीबन 12:30 का टाइम हो चुका है, खाने का टाइम भी हो चुका है, तो व्यू जो है वो बहुत खूबसूरत है। अभी आपको मैं इस साइड से ऊपर से पानी जहाँ से आ रहे चश्मे वो दिखाता हूँ कुछ, और उसके बाद फिर मैं सामने लेक वाली साइड पे जाऊँगा। तेजी के साथ उसके साथ बिजली पानी और फिर यही पानी आगे लेक की तरफ जा रहा है। क्या रेट है इसका? 100 रुपये। 100 रुपये का कितना? बड़ा चेक करें, पानी से जाएगा। पानी से जाएगा? तो आप कैसे आओगे फिर? हाँ। आप भी पानी से ही आओगे? हाँ। आप कैसे जाओगे? बच्चों के लोकल लोगों के काम देखें। हाँ। पानी ठंडा नहीं लगता? घोड़े पे बैठ के पानी को क्रॉस कर रहा हूँ मैं। यहाँ से गहरे के ज्यादा है? कहाँ तक आएगा तेरे? गिरा देगा ना? चल। कहाँ से? बाहर से। किस जगह से? हाय, पुल के ऊपर से? नहीं यार। सैफुल्ला लेक की तरह मोमन लेक में भी बोटिंग हो सकती है। एक चक्कर जो है तकरीबन 600-700 रुपये का होता है। इसी तरह से यहाँ पे घोड़ा सवारी भी है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। घोड़ा सवारी का भी पूरे राउंड अगर लगाए तो 300 कहते होते हैं। अगर आप मामूली सा थोड़ा सा चलाएंगे तो उसके लिए 100 रुपया। अदरवाइज काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये भी, इंतहाई खूबसूरत है। बच्चों के लिए झूलों का इंतज़ाम भी है, खाने का इंतज़ाम है, उसके अलावा रात के रहने के लिए नाइट कैंपिंग भी है। तो काफ़ी खूबसूरत है, शाम के वक्त और अच्छा व्यू हो जाता होगा क्योंकि सनसेट हो जाता है इस साइड से, इसलिए अभी भी खैर वो देखें बहुत अच्छा लग रहा है, पर उस टाइम तो फिर क्या ही बात होगी। बेबी चाहने के यहाँ पे बादल आए थे, बादलों के बाद तो इस जगह का और भी नज़ारा खूबसूरत हो जाता है।
के बाद इसकी बात ही अलग होती होगी। ये कैंपिंग का सामान बोट में आ रहा है क्योंकि असल में सीज़न स्टार्ट अभी सही ईद के बाद 24-25 के बाद ये खुला है, तो अभी तक यहाँ पे कंप्लीट लोग आए भी नहीं है। कैंपिंग वाले भी अभी आ रहे हैं, इसी तरह खाने पीने वाले होटल भी खोल रहे हैं अभी। आस्ता आस्ता ये बढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। ये पानी जो हमारा सेंटर में लोगों ने खुद रास्ते बनाए हुए हैं, वो खुद पानी यहाँ तक लाए हुए। कौन सी मछली है भाई? ट्राउट है। अच्छी बात है, ये खा के बंदा भागेगा इधर से? ये खा के आपको इस तरह लगेगा कि हम कोई तनूर में है, इस तरह गर्म है। ये वाले ट्राउट खाई थी, मॉडर्न जिलते मैंने ट्राउट खाया था, जिंदगी पर याद रहेगा इंशाल्लाह। क्या काम करते हैं? जी जगम भाई, कैसी जगह लगी? बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, हमने बहुत इंजॉय किया। सही है। सारा सफ़र जितना आए थे वहाँ से सारी थकान उतर गई है। ठीक है, खाना कैसा लगा? खाना भी बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त। मतलब हमारा एक पंजाबी कुक मिल गया था हमें, वेरी गुड, उसने ऐसा खाना बनाया कि बहुत ही अच्छा लगा। किधर का था? ठीक है, सर गोदा का। लव यू सर गोदा शहीनों का शहर। हाँ जी सर, सबको जरूर आए, देखें, बिल्कुल देखने के काबिल है जगह। ठीक है, रिजवान भाई आप तो ताज़ा ताज़ा लग रहे हैं, दुबई से आए हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, ज़बरदस्त। अच्छा, ये अपने दोस्त छोड़ो ना, थोड़ा सब्सक्राइब करो, शेयर करो इसको, और चैनल को यार, और प्लीज इस चैनल को वायरल कर दो यार, प्लीज कर, बड़ी मेहरबानी, गाइड करते हैं। यहाँ के ऊपर कैंपिंग का रेट तकरीबन 1,000-1,500 रुपया है, और यहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा है हमारी के नस्बत, हॉर्स राइडिंग वगैरह।